सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। विल टॉक अबाउट डायूरेटिक्स इन होम्योपैथी। ठीक है, डायूरेटिक्स होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी ऐसी हैं जो डायूरेटिक्स का रोल अदा करती हैं, उसके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें कि कहाँ हमने यूज़ करनी है ये मेडिसिन। देन वी कम टू द मेडिसिन पार्ट, राइट। नॉर्मली देखा गया दोस्तों, वाटर रिटेंशन हो जाती है कई पेशेंट्स में। वाटर रिटेंशन यानी कि फ्लूइड रिटेंशन कह लीजिए, जिस वजह से सूजन आ जाती है इन वेरियस बॉडी पार्ट्स, है ना। इडीमा वी कॉल इट, ड्रॉपसी केसेस हो जाते हैं, स्वेलिंग कह लीजिए, राइट। इन द मोस्टली दे आर फाउंड इन द फीट, इन द लेग्स, इन द हैंड्स, इन द फेस, इवन इन द एब्डोमन। ठीक है, बट लेकिन देर इज अ सीरियस अंडरलाइंग कॉज, वो कारण पता होना चाहिए दोस्तों। देन दैट इज रूट कॉज हैज़ टू बी रिमूव्ड, है ना। और सिम्टम्स के लिए तो होम्योपैथिक दवाएं काम करेंगी, राइट दोस्तों। अंडरलाइंग कॉजेज कुड बी मैनी। इसमें रीनल फेलियर क्या है, किडनीज फेल हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, प्लीरल एफ्यूजन हो जाती है, लंग्स इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। देन देर आर सर्टन मेडिकेशंस दैट कॉज एडिमा। और अंडरलाइंग कार्डियक जो डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, उस वजह से भी इडीमा हो जाता है। कुड बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कुड बी वैल्यूल इनसफिशेंसी ऑफ द हार्ट, इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट को लेके अगर कोई भी समस्या है अंडरलाइन, जिस वजह से पाँव में और हाथ में, पैरों में सूजन है, फेस पे सूजन है, इडीमा के सिम्टम्स आ रहे हैं। सो दैट इडीमा इज कॉज्ड बाय द अंडरलाइन कार्डियक डिसऑर्डर। इसको हम पिटिंग इडीमा भी कहते हैं, पिटिंग एडीमा। लाइक जैसे कि ना, कोई जो सूजन वाला एरिया, द स्वेलिंग पार्ट, अगर फॉर एग्जांपल पाँव में सूजन है, अगर उसको हम थोड़े सेकंड्स के लिए प्रेस करें विद द प्रेशर ऑफ द फिंगर अप्लाई करें, वहाँ एक ना पिट बन जाएगी, एक गड्ढा सा बन जाएगा। नाउ दैट इज पिटिंग एडीमा, लेकिन दैट गिव्स अ हिंट के अंदर है कोई सीरियस डिसऑर्डर है। अच्छा, फिर ना एडीमा नॉन पिटिंग भी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर लिम्फैटिक डिसऑर्डर है, अगर थायराइड डिसऑर्डर है, उसमें भी स्वेलिंग रहती है, दैट इज नॉन पिटिंग एडीमा। खैर, डिटेल में एडीमा की बात करें तो वी हैव अ ब्यूटीफुल वीडियोस, कपल ऑफ वीडियोस हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ ना टुडेज वीडियो विल रिस्ट्रिक्ट आर टॉक टू एडीमा ड्यू टू द कार्डियक डिसऑर्डर्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट लीड्स टू सिवियर एडीमा। और वहाँ हम डायूरेटिक्स कौन सी दवा दे सकते हैं होम्योपैथी में। अंडरलाइंग कार्डिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो स्वेलिंग रहती है ना, उसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, पहचान कह लीजिए, लक्षण क्या हैं। जैसे ना आई हैव ऑलरेडी सेड, लाइक पाँव में, ठीक है, टांगों में सूजन रहेगी, हाथों में सूजन रह सकती है, देयर कुड बी ब्लोटिंग इन द एब्डोमेन एज वेल। पेट का निचला हिस्सा ना सूज जाता है, ब्लोटिंग रहेगी, फ्लावट में रहेगा, देयर पफिनेस रहेगी फेस पे, ठीक है। और देयर विल बी अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस इन द बॉडी वेट, सूजन बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाएगा बॉडी का। यू टेक मेडिसिंस, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो उससे वजन कम हो जाएगा। अगर अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस रह रही हैं बॉडी वेट में रह रही हैं, तो कीप इन माइंड देयर कुड बी वाटर रिटेंशन इनसाइड, ठीक है। एंड देन जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, बॉडी पार्ट्स में कई की जगह ना एकिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, दर्द रह सकता है। अच्छा, बिफोर यू कम टू द मेडिसिन पार्ट, कुछ प्रिवेंशन या मैनेजमेंट के टिप्स भी समझ लें दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें क्या रखना है, सॉल्ट इनटेक कम करना है, यू कैन इंक्रीज द प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट इज द पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिच डाइट ज़रूर लें, वो फूड लें जिसमें पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिच हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इंक्रीज द इनपुट ऑफ लाइक इनटेक ऑफ बनानास, टोमेटोस, एवोकाडोस, ठीक है। और इसमें लीफ, ग्रीनी लीफ, लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, स्पाइनच आ सकता है, दैट वी कैन इंक्रीज, राइट। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है। देन ऑफ कोर्स टेक, यू कैन टेक कैल्शियम एंड B5 विटामिन B6 सप्लीमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड रेगुलर एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, अगर मोटापा आ रहा है ना, तो वी शुड शेड ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट, राइट। तो दोस्तों, इन सब केसेस में हमें डायूरेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। डायूरेटिक्स आर दोज मेडिसिंस, फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट्स को ना, जैसे जिसके बात कर रहे हैं, तो दे आर प्रिस्क्राइब्ड सर्टन डायूरेटिक्स, इनको वाटर पिल्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा फ्लूइड इन यू, वो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है ना, उसको एक्सपेल आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।
यानी कि फाइनली व्हाट विल हैपन, द यूरिन आउटपुट विल इंक्रीज, द स्वेलिंग विल डिक्रीज, इडीमा कम हो जाएगा, हार्ट पे लोड कम हो जाएगा. सो डायूरेटिक्स आर रिक्वायर्ड. लेकिन माइंड इट दोस्तों, याद रखें, देर आर सर्टन डायूरेटिक्स इन एलोपैथी लाइक दोज आर एसोसिएटेड विद सिवियर साइड इफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना वाटर या फ्लूइड जो है उसको रिमूव करेंगे बॉडी से, है ना, तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, बीपी एकदम से कम भी हो सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट. देन थर्डली, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द शुगर लेवल इन द ब्लड इन पेशेंट्स हू आर ऑलरेडी टेकिंग डायूरेटिक्स. यानी कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज़ या शुगर लेवल का ना मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. अगर नहीं है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी हो सकते हैं. देन देर कैन बी टायर्डनेस, अनयूजुअल टायर्डनेस, थकान दिखेगी, मसल क्रैम्प्स हो पड़ सकते हैं. अच्छा, कई ड्रग्स जो हैं ना डायूरेटिक्स एलोपैथी में, दे आर सल्फा ड्रग्स. तो याद रखें, जो पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू सल्फा ड्रग्स, तो उन केसेस में दे कैन कॉज अ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों व्हेन यू कम टू होम्योपैथी. बहुत बेहतरीन दवाएं हैं जो कि होम्योपैथी में डायूरेटिक्स का रोल अदा करती हैं, डिवॉइड ऑफ दीज साइड इफेक्ट्स. राइट, आइए देखते हैं कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद. अंडरलाइंग कॉज कार्डियक डिसऑर्डर है तो ये 5 से 7 दवा बहुत इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ इट दोस्तों, इन होम्योपैथी विच प्ले एन एक्सलेंट रोल एज डायूरेटिक्स. राइट, सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, दैट इज एपोसाइनम. एपोसाइनम ना वहाँ देंगे जहाँ स्वेलिंग रहती है, ड्रॉप्सिकल एडिमा रहता है इन द एंकल्स, पर्टिकुलरली एडियो में, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी स्वेलिंग रह सकती है. द अंडरलाइंग कॉज इज अ हार्ट डिजीज, याद रखें. राइट, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट इज स्वेलिंग रहेगी, यूरिन स्कैंटी रहेगा, यूरिन आउटपुट कम रहेगा, और प्यास बहुत लगती है पेशेंट को, देयर इज विद ग्रेट थर्स्ट. लेकिन क्या करें दोस्तों, वाटर इनटेक जो है ना, इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर सच पेशेंट्स, क्योंकि अदरवाइज इट विल लीड टू अ डिस्ट्रेस टू द हार्ट, वहाँ दिक्कत कर सकता है, और फीमेल्स में ना मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है. सो टेक केयर दोस्तों. एपोसाइनम क्यू मदर टिंक्चर फॉर्म में दे सकते हैं, डोजेज वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बट मेक अ नोट ऑफ इट, एपोसाइनम अ ग्रेट डायूरेटिक इन होम्योपैथी. यहाँ अगर डिजिटलिस्ट की बात ना करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी. डिजिटलिस्ट दोस्तों एन फंटास्टिक मेडिसिन फॉर कार्डियक ड्रॉप्सी. ठीक है, यहाँ ना हार्ट फीबल रहता है, वीक रहता है, इररेगुलर रहता है, और पेशेंट को ना डीप ब्रेथ लेने की इच्छा बार बार होती है, अंदर लंबा सांस खींचने की इच्छा होती है, वो नहीं ले पाता बिकॉज ऑफ द कार्डिक ड्रॉप्सी इनसाइड. वहाँ डिजिटलिस्ट का बहुत बेहतरीन रोल है. इसमें याद रखें, यूरिन जो है वो कम रहेगा, यूरिन विल बी स्कैंटी, स्वेलिंग्स रहेंगे, यूरिन विल बी डार्क इन कलर, और पेशेंट की जो पल्स है ना वो स्लो रहती है. डिजिटलिस्ट एन एक्सीलेंट डायूरेटिक इन होम्योपैथी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैक्टस. कैक्टस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर वाटर रिटेंशन. जहाँ ना सूजन रहती है पाँव में, हाथों में रहेगी, विद अंडरलाइंग हार्ट कंप्लेंट्स, एक्सीलेंट रोल दैट कैक्टस प्लेस. फेजियोलस, नो दोस्तों, दिस इज एन एक्सीलेंट होम्योपैथिक रेमेडी जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है स्वेलिंग केसेस में, वाटर टेंशन के केसेस में, विद अंडरलाइंग हार्ट डिजीज, लेकिन अलॉन्ग विद लिवर एंड किडनी कंप्लेंट्स. ठीक है, वहाँ फेजियोलस देंगे. ईल सीरम द मैजिकल डायूरेटिक इन होम्योपैथी. वी हैव अ ब्यूटिफुल वीडियो ऑन ईल सीरम, डिटेल में बात की हुई है ईल सीरम विद कंपेरिजन विद डिजिटलिस एज वेल. ठीक है ना, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों. जहाँ कंप्लीट किडनी सप्रेशन, किडनी जैसे फेलियर केसेस रहते हैं, यूरिन सप्रेशन हो जाता है, ईल सीरम मैजिकल रोल एज ए डायूरेटिक. इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज, इट्स एन इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर, कन्वलेरिया मेजलिस. क्यू फॉर्म में दे सकते हैं दोस्तों, जहाँ वाटर टेंशन रहती है ना ड्यू टू स्लगिश एक्शन ऑफ द हार्ट, और इसके साथ लिंक्ड सिम्टम्स हैं, डिस्निया रहेगा एंड पैल्पिटेशंस. राइट, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आई शुड नॉट फॉरगेट इज स्ट्रोफेंथस, वन ऑफ माई फेवरेट हार्ट रेमेडीज कह लीजिए. स्ट्रोफेंथस दोस्तों मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म में दे सकते हैं, जहाँ ना पिटिंग एडिमा रहता है एंकल्स में, पाँव में अगर वो पिट्स बनते हैं, पिटिंग एडिमा रहता है, एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स आर स्वेल्ड अप, और अंडरलाइन कॉज क्या रहता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वहाँ स्ट्रोफेंथस क्यू याद रखें. सो फ्रेंड्स, हियर आई वाइंड अप माई डिस्कशन. आई होप आपको आज का वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा.
एक्सीलेंट मेडिसिन इन होम्योपैथी दैट एक्ट एज डायूरेटिक्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। दोस्तों याद रखे, होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ओके, आगे फिर बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आएंगे। दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। वी कैन टेक अप एज अ सेपरेट डिस्कशन इन अ न्यू वीडियो। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।